पंजाब के रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी को यूपी लाने के लिए सूबे की पुलिस कल या परसों पंजाब के लिए रवाना होगी। मुख्तार को यूपी के बांदा जेल में रखा जाएगा। मुख्तार की यूपी वापसी को लेकर बांदा जेल की बैरक में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्तार को एम्बुलेंस से सड़क के रास्ते पंजाब से यूपी लाया जाएगा। पंजाब के रोपड़ में पहले से यूपी पुलिस की टीम मौजूद है। सुरक्षा के लिहाज से लखनऊ से अतिरिक्त पुलिस भेजी जाएगी। कोर्ट के आदेश के मुताबिक मुख्तार को बांदा जेल लाया जाएगा। 8 अप्रैल से पहले यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी को पंजाब से बांदा जेल लेकर आएगी। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रयागराज जेल के DIG को बांदा जेल में सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहाँ स्पेशल सेल में मुख्तार अंसारी को रखा जा सकता है। सूत्रों की माने तो बैरक नंबर 15 और 16 को विशेष तौर से तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा बांदा जेल के पहले गेट से लेकर जेल के मेन गेट तक हर तरफ 8 घंटे की शिफ्ट में पुलिसकर्मी तैनात किए जा रहे हैं। जेल के अंदर और बाहर भी मुख्तार की सुरक्षा के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। पंजाब के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने मुख्तार अंसारी के यूपी जेल लाने को लेकर उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त गृह सचिव अवनीश अवस्थी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मुख्तार अंसारी को 8 अप्रैल से पहले यूपी ले जाएं। मुख्तार अंसारी को शिफ्ट करने से पहले जेल में सारी व्यवस्थाएं और मेडिकल सुविधाएं करा दी जाएं। इसके साथ ही शिफ्टिंग के समय अंसारी की मेडिकल कंडीशन को लेकर भी एहतियात बरता जाए। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए।